क्या हुआ जब वैज्ञानिक बाली की गुफा में घुसे और अंदर का नजारा देखकर उनके भी होश उड़ गए। ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में तो हर कोई जानता है, परंतु बाली की उस गुफा से हर कोई अनजान है जो अपने अंदर ही कई राज समेटे हुए हैं। इसका पता जब कुछ वैज्ञानिकों को चला तो वे भी इसके अंदर गए और उन्हें कुछ ऐसे प्रमाण मिले जिससे यह साबित हो गया कि ये गुफा सचमुच में बाली की ही गुफा है। परंतु उस गुफा के अंदर से उन्हें ऐसा क्या मिला जिसके बाद उनके होश उड़ गए, जानने के लिए आपको वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना होगा। शुरुआत करने से पहले श्री राम के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर ले। वानर राज बाली का शासन किष्किंधा नगरी में हुआ करता था। वो इतना बलशाली था कि उसने रावण को भी पराजित कर रखा था। परंतु ऐसा क्या हुआ कि उसके अपने भाई से ही दुश्मनी हो गई, जिसके पीछे कारण थी वो गुफा जिसे आज हम बाली की गुफा के नाम से जानते हैं। एक बार की बात है जब मायावी नाम के राक्षस ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली उसके पीछे भागा और वो राक्षस भागते भागते एक गुफा के अंदर जा पहुंचा। बाली ने उस गुफा के द्वार पर सुग्रीव को खड़ा किया और उस राक्षस का वध करने के लिए उस गुफा के अंदर चला गया। तकरीबन एक साल बीत चुका था और बाली उस गुफा के अंदर से नहीं लौटा था। सुग्रीव को बाहर बहुत चिंता सता रही थी, परंतु उसने देखा कि गुफा के अंदर से तो खून बाहर आ रहा है। उसे ऐसा लगा बाली की उस युद्ध में मृत्यु हो गई है, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और उस गुफा के मुख पर लगा दिया। परंतु वो सच से अनजान था। दरअसल वो गुफा इतनी लंबी थी कि उस राक्षस को ढूंढने में बाली को एक साल लग गया और एक साल बाद उसने उस मायावी राक्षस का वध कर दिया। परंतु जब वो उस गुफा के द्वार पर पहुंचा तो एक बहुत बड़ा पत्थर देखकर उसे भी हैरानी हुई। उसने मन ही मन सोचा शायद सुग्रीव मेरा शासन हड़पना चाहता है। उसने जैसे तैसे वो पत्थर हटाया और वापस अपने नगरी में पहुंचकर सुग्रीव को धक्के मारकर अपने नगरी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद सुग्रीव अन्य वानरों के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। जिसके बाद ऋषिमुख पर्वत पर स्थित सुग्रीव की गुफा के बारे में हर कोई जानता है, परंतु बाली की गुफा से हर कोई अनजान है। आज के समय में बाली की वही गुफा तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास के इलाके में है। वहां पर स्थित कुछ लोगों ने यह दावा किया कि ये वही बाली की गुफा है जिसमें बाली और मायावी राक्षस के बीच युद्ध हुआ था। जब वैज्ञानिकों को इस बात का पता चला तो वे शोध करने के इरादे से बाली की गुफा में पहुंच गए। परंतु जब वो गुफा के अंदर पहुंचे तो उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो गुफा इतनी लंबी है। वे पुनः गुफा के बाहर आ गए और इस बार अपने साथ खाने पीने की पूरी व्यवस्था लेकर के पुनः एक बार बाली की गुफा में घुसे। ये गुफा इतनी लंबी है कि बाली को भी मायावी राक्षस को ढूंढने के लिए पूरा एक साल लग गया था। वैज्ञानिक धीरे धीरे गुफा के अंदर जाए जा रहे थे। उन्हें बस कुछ ऐसा प्रमाण चाहिए था जिससे कि यह सिद्ध हो जाए कि यह गुफा सचमुच में बाली की गुफा है। वे 2 से 3 दिन तक उसी गुफा में विचरण और शोध करते रहे, परंतु उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। परंतु ठीक 3 दिन बाद उन्हें अंदर से एक विशाल काय नाखून प्राप्त हुआ। वो नाखून कोई सामान्य नाखून नहीं था, न ही किसी जानवर का नाखून था। वे सभी हैरान थे कि आखिर ये नाखून किस प्रजाति का है जिसे शोध के लिए भेज दिया गया। जब वैज्ञानिक उस गुफा के और अंदर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जो देखा उन सभी के होश उड़ गए। दरअसल उस गुफा के अंत में एक अलग ही भाषा में कुछ लिखा हुआ था जो किसी के समझ नहीं आ रहा था, परंतु वैज्ञानिकों ने उस पर शोध किया और ये पता चला
तो उन्हें पता चला कि ये लिखावट तकरीबन 5 से 6 हजार साल पुरानी है। वानर नाम की प्रजाति पहले इस तरह की लिखावट का इस्तेमाल करती थी। वानर बंदरों से अलग हुआ करते थे। उनका शरीर मानव की तरह होता था, परंतु मुख बंदर के समान होता था। उनकी पूंछ भी होती थी और वे काफी हष्ट पुष्ट पहलवान की तरह होते थे। जब उस नाखून पर अच्छी तरह से शोध किया गया तो ये पाया गया कि वो किसी सामान्य इंसान का नाखून हो ही नहीं सकता, न वो किसी जानवर का नाखून है। चूंकि मायावी राक्षस और बाली के बीच उस गुफा में युद्ध हुआ था, तो ये प्रमाण दिए गए जो जरूर उस मायावी राक्षस का ही नाखून है। जिसके बाद वैज्ञानिकों ने भी इस बात पर मोहर लगा दी कि ये गुफा सचमुच में बाली की ही गुफा है, जो आज के समय में तुंगभद्रा नदी के किनारे वाले कर्नाटक के हम्पी शहर के आसपास जंगली इलाकों में मौजूद है। इस घटना को लेकर दोस्तों आपके क्या विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेवे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को जय जय श्री राम।